नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का 43वां भाग। ललिता ने यह क्या परेशानी खड़ी कर दी, सुचरिता बैठकर यही सोचने लगी। थोड़ी देर चुप रहकर ललिता के गले में बांह डालकर बोली, लेकिन भाई मुझे तो डर लगता है। ललिता ने पूछा, किसका भय? सुचरिता बोली, ब्रह्म समाज में चारों तरफ हलचल मच गई है, लेकिन अंत में विनय बाबू अगर राजी न हुए तो? सिर झुकाकर ललिता ने दृढ़ता से कहा, वह जरूर राजी होंगे। सुचरिता ने कहा, तू तो जानती है माँ को पानू बाबू यही भरोसा दे गए हैं कि विनय अपना समाज छोड़कर विवाह करने को कभी राजी नहीं होगा। ललिता, क्यों तूने यह सब बातें सोचे बिना पानू बाबू से ऐसी बातें कह डाली? ललिता ने कहा, मैंने जो कहा उसके लिए अब भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। पानू बाबू समझते थे वह और उनका समाज मुझे शिकार के जानवर की तरह घेरे में डालकर बिल्कुल अतल समुद्र के किनारे रख ले गए हैं, वहां मुझे पकड़े जाना होगा। किंतु वह नहीं जानते कि मैं इस समुद्र में कूद पड़ने से नहीं घबराती, बल्कि उनके शिकारी कुत्तों से घिर कर उनके पिंजरे में घुसते ही घबराती हूँ। सुचरिता ने कहा, क्यों ना एक बार बाबा से सलाह करके देखा जाए? ललिता ने कहा, शिकारियों का साथ बाबा कभी नहीं देंगे, यह मैं निश्चय से कह सकती हूँ। उन्होंने तो कभी हमें बांध कर रखना नहीं चाहा। जब कभी उनकी राय से हमारी राय कुछ भिन्न हुई है, तब क्या वह हम पर जरा भी नाराज हुए हैं? ब्रह्म समाज के नाम की दुहाई देकर उन्होंने कभी हमारा मुंह बंद करने की कोशिश की है? इस पर माँ कितनी बार बिगड़ी हैं, लेकिन बाबा को यही एक भय रहा है कि कहीं हम लोग खुद सोचने का साहस न खो दें। जब उन्होंने इस तरह सीख देकर हमें बड़ा किया है, तब क्या अंत में पानू बाबू जैसे समाज के जेल दरोगा के हाथ हमें सौंप देंगे? सुचरिता ने कहा, चलो मान लो बाबा कोई बाधा नहीं देते, फिर तू क्या करेगी बता? ललिता ने कहा, अगर तुम लोग कोई कुछ नहीं करोगे तो फिर मैं ही? घबरा कर सुचरिता ने कहा, नहीं नहीं, तुझे कुछ नहीं करना होगा भाई, मैं ही कुछ उपाय करती हूँ। सुचरिता परेश बाबू के पास जाने की तैयारी कर रहे थे कि परेश बाबू स्वयं उसके यहाँ आ गए। प्रतिदिन सांझ के इस समय परेश बाबू अपने घर की बगिया में अकेले सिर झुकाए मन ही मन सोचते हुए टहला करते हैं। सांझ के पवित्र अंधकार से धीरे धीरे मन को मांझ कर काम काज के दिन के दाग मानो धो डालते हैं। आज अंत में निर्मल शांति का संचय करके रात को विश्राम के लिए तैयार हो जाते हैं। आज जब परेश बाबू अपने शाम के एकांत ध्यान की शांति छोड़कर चिंतित मुख लेकर सुचरिता के पास आ खड़े हुए, तब सुचरिता के स्नेहपूर्ण मन को वैसी ही ठेस लगी जैसे जिस शिशु को खेल में लगे रहना चाहिए उसे चोट से चुपचाप परा देखकर लगती है। मृदु स्वर में परेश बाबू बोले, राधो सब सुन लिया है ना? सुचरिता ने कहा, हाँ बाबा सब सुना है, किंतु तुम इतना सोचते क्यों हो? परेश बाबू बोले, और तो मैं कुछ नहीं सोचता, मेरी सारी सोच यही है कि ललिता ने जो तूफान खड़ा कर दिया है उसकी पूरी चोट वह सह सकेगी कि नहीं। उत्तेजना के वशीभूत कई बार हम लोगों के मन में अंधी स्पर्धा जाग उठती है, लेकिन जब उसका फल मिलना आरंभ होता है तब सहसा किसी किसी की उसके भार सहने की शक्ति चली जाती है। क्या ललिता ने सब भला बुरा अच्छी तरह समझ सोच कर निश्चय कर लिया है कि उसके लिए क्या श्रेय है? सुचरिता ने कहा, समाज की ओर से कोई उत्पीड़न ललिता को कभी नहीं हरा सकेगा, यह तो मैं दावे से कह सकती हूँ। परेश बाबू ने कहा, मैं यह बात पूरी तरह स्पष्ट जान लेना चाहता हूँ कि ललिता केवल गुस्से में आकर विद्रोह या जिद तो नहीं कर रही है? सिर झुकाकर सुचरिता ने कहा, नहीं बाबा, ऐसी बात होती तो मैं उसकी बात पर जरा भी ध्यान न देती। उसके मन में बहुत गहरे में जो बात थी वही अचानक चोट खाकर बाहर आ गई है। अब किसी तरह उसे दबा देने का प्रयत्न करने से ललिता जैसी लड़की के लिए अच्छा नहीं होगा। बाबा, विनय बाबू आदमी तो बहुत अच्छे हैं,
परेश बाबू ने कहा। अच्छा, किंतु विनय क्या ब्रह्म समाज में आने को राजी होगा? सुचरिता ने कहा, यह तो ठीक ठीक नहीं बता सकती। अच्छा बाबा, एक बार गौर बाबू की माँ से मिलाऊं? परेश बाबू ने कहा, मैं भी यही सोच रहा था, तुम हो आओ तो अच्छा हो। आनंदमयी के घर से एक बार रोज सवेरे विनय अपने घर का चक्कर लगाया आता था। आज सवेरे आने पर उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं था। ललिता से विवाह करके विनय किसी तरह सुखी नहीं हो सकेगा और ललिता का भी उससे अहित होगा, यह बताकर चिट्ठी में लंबा उपदेश दिया गया था और अंत में यह भी लिखा था कि इस सब के बाद भी विनय ललिता से विवाह करने का इरादा ना छोड़े तो एक बात और भी सोचकर देख ले कि ललिता के फेफड़े कमजोर हैं और डॉक्टरों ने यक्ष्मा की आशंका बताई है। चिट्ठी पाकर विनय हक्का बक्का हो गया। कोई ऐसी बातें झूठ मूठ भी गढ़ सकता है? विनय ने यह कभी नहीं सोचा था। समाज की बाधा के कारण ललिता के साथ विनय का विवाह किसी तरह संभव नहीं है, यह तो मानी हुई बात थी। इसीलिए तो ललिता के प्रति अपने हृदय के अनुराग को विनय अब तक अपराध ही मानता आया था। लेकिन जब उसे ऐसी चिट्ठी मिली है तो निश्चय ही समाज में इस बारे में विस्तार से चर्चा होती रही है। इससे समाज के लोगों के बीच ललिता कितनी अपमानित हुई है, यह सोचकर उसका मन अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उसके मन के साथ खुल्लम खुल्ला ललिता का नाम समाज के लोगों के मुंह पर आता रहा है, इससे वह बहुत ही ज्यादा लज्जित और संकुचित होने लगा। उसे बार बार यही लगने लगा कि ललिता उसके साथ परिचय का अभिशाप मानकर धिक्कार रही होगी। उसे ऐसा अनुभव होने लगा कि अब ललिता कभी उसकी ओर आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करेगी। हाँ, ये मानव हृदय! इस तीव्र ग्लानि के बीच भी विनय के मन के भीतर एक निविड़, गंभीर, सूक्ष्म और तीव्र आनंद हिलोर ले रहा था, जिसे वह संभाल नहीं पाता था, जो सारी लज्जा और अपमान को अस्वीकार कर देता था। इसी आनंद को किसी तरह दबा देने के लिए वह अपने घर के बरामदे में तेजी से टहलने लगा। लेकिन सवेरे के प्रकाश से झरता हुआ एक मधुर भाव उसके मन पर छा गया। जो फेरी वाले राह पर हाँक लगाते हुए चले जा रहे थे, उनकी हाँक के स्वर भी जैसे उसके हृदय में एक गहरी चंचलता जगाने लगे। बाहर के लोगों की निंदा ही मानो एक रेले की तरह ललिता को बहाकर उसके हृदय के किनारे पर छोड़ गई। समाज से बहाकर आई हुई ललिता की इस मूर्ति को वह और दूर नहीं हटा सका। उसका मन केवल यही पुकारने लगा कि ललिता मेरी है, एकमात्र मेरी है। और कभी उसे मन में दुर्दम होकर इतने जोर से यह बात कहने का साहस नहीं किया था। आज जब बाहर ही ऐसी ध्वनि इस प्रकार अचानक उठी, तो विनय किसी तरह अपने मन को और चुप चुप कहकर दबाए नहीं रह सका। जब इस प्रकार से चंचल होकर विनय अपने बरामदे में चक्कर काट रहा था, तब सहसा उसने देखा सड़क पर हरान बाबू चले आ रहे हैं। वो फौरन समझ गया कि वह उसी के पास आ रहे हैं। यह भी उसने निश्चय जान लिया था कि इस गुमनाम चिट्ठी के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। विनय ने रोज की तरह अपनी स्वभाव सिद्धि प्रगल्भता नहीं दिखाई। हरान बाबू को कुर्सी पर बिठाकर चुपचाप उनकी बात की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में हरान बाबू बोले, विनय बाबू, आप तो हिंदू हैं ना? विनय ने कहा, हाँ वो तो हूं ही। हरान बाबू ने कहा, मेरे इस सवाल का बुरा न माने, कई बार हम लोग चारों तरफ की स्थिति सोचे विचारे बिना अंधे होकर चलने लगते हैं, इससे संसार में दुख फैलता है। ऐसी हालत में अगर कोई ये सवाल उठाए कि हम क्या हैं, हमारी सीमा कहाँ है, हमारे आचरण का फल कहाँ कहाँ तक पहुँचता है, तब ये सवाल बुरे लगने पर उस आदमी को मित्र ही समझना चाहिए। हंसने की कोशिश करते हुए विनय ने कहा, आप व्यर्थ की भूमिका बांध रहे हैं। कोई अप्रिय सवाल सामने आने पर मैं किसी प्रकार अत्याचार कर बैठूं, मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। आप बेखटके
मुझसे जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। हरान बाबू ने कहा, मैं आप पर जानबूझकर कोई अपराध करने का आक्षेप लगाना नहीं चाहता, लेकिन बिना सोचे समझे गलती करने का परिणाम भी भयंकर हो सकता है। शायद यह तो आपको समझाने की जरूरत ना होगी। मन ही मन विनय ने विरक्त होते हुए कहा, जरूरत नहीं है तो छोड़िए, असल बात कहिए। हरान बाबू ने कहा, आप जब हिंदू समाज में हैं और उसे छोड़ना भी आपके लिए संभव नहीं है, तो परेश बाबू के परिवार में आपका इस ढंग से आना जाना क्या ठीक है, जिससे उनके समाज में उनकी लड़कियों के बारे में कोई गलत चर्चा उठ सकती है? विनय ने गंभीर होकर कुछ देर चुप रहकर कहा, देखिए पानू बाबू, किस बात से समाज के लोग कौन सी बात गढ़ लेते हैं वह बहुत कुछ उनके अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अगर परेश बाबू की लड़कियों के बारे में आप लोगों के समाज में किसी प्रकार की गलत चर्चा खड़ी हो सकती है, तो इसमें लज्जा की बात उनके लिए उतनी नहीं है जितनी आपके समाज के लिए। हरान बाबू ने कहा, किसी कुमारी को अपने घर वालों का साथ छोड़कर किसी गैर आदमी के साथ अकेले स्टीमर में शेयर करने दी जाए, तो इसकी चर्चा करने का अधिकार कौन से समाज को होगा, यही बात मैं पूछता हूं। विनय ने कहा, बाहर की घटना को भीतर के अपराध के साथ आप लोग भी अगर एक ही आसन पर बिठाने लगे, तो फिर हिंदू समाज छोड़कर आपको ब्रह्म समाज में आने की क्या जरूरत थी? खैर पानू बाबू, यह सब बातें लेकर बहस करने की कोई जरूरत मैं नहीं देखता। मेरा क्या कर्तव्य है यह मैं स्वयं सोच विचार करने के बाद तय करूंगा। इस बारे में आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। हरान बाबू ने कहा, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे अंत में इतना ही कहना है कि आपको अब दूर ही रहना होगा, नहीं तो यह आपका बड़ा अन्याय होगा। परेश बाबू के परिवार में प्रवेश करके आप लोगों ने केवल अशांति की ही सृष्टि की है। उनका कितना अनिष्ट आप लोगों ने किया है आप नहीं जानते। हरान बाबू के चले जाने पर एक व्यथा कांटे सी विनय के मन में चुभने लगी। सरल हृदय उदार चित्त परेश बाबू कितने सम्मान के साथ उन दोनों को अपने घर और परिवार के बीच बुला ले गए थे। विनय ने चाहे बिना जाने समझे इस ब्रह्म परिवार में अपने अधिकार की सीमा का पग पग पर उल्लंघन किया था, फिर भी उनके स्नेह से वह कभी वंचित नहीं हुआ। इस परिवार के बीच विनय की प्रकृति ने एक ऐसा गहरा सहारा पाया जैसा उसे और कहीं नहीं मिला। इन सबसे परिचय होने के बाद मानो विनय अपनी एक अलग और विशेष सत्ता को पहचान सका है। जिस परिवार में उसे इतना मान, इतना आनंद, ऐसा आश्रय मिला, उसी परिवार के लिए विनय की स्मृति ऐसी हो जाएगी कि हमेशा कांटे से चुभते रहे। परेश बाबू की लड़कियों पर अपने अपमान की कालिख पोत दी, ललिता के पूरे आगत जीवन पर उसने कलंक का इतना बड़ा टीका लगा दिया, इसका क्या प्रतिकार हो सकता है? हाय, समाज नाम की चीज ने सच्चाई के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा खड़ी कर दी है। ललिता के साथ विनय के मिलन में यथार्थ बाधा कोई नहीं है। जो देवता दोनों के हृदय में बसे हैं वही जानते हैं कि विनय ललिता के सुख और मंगल के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर देने को तैयार है। वही देवता तो प्रेम के आकर्षण में बांध विनय को ललिता के इतना निकट ले आए हैं। उनकी शाश्वत धर्म विधि में तो कोई बाधा नहीं है। तब ब्रह्म समाज के जिस देवता की पूजा पानू बाबू जैसे लोग करते हैं वह क्या कोई दूसरे हैं? वह क्या मनुष्य के मन के अंतरंतम के देवता नहीं है? ललिता के साथ उसके मिलन के मार्ग में कोई निषेध अपना विकराल मुंह बाए खड़ा हो और वह केवल समाज को ही मानकर मानव मात्र को प्रभु का आदेश न माने, तो वही निषेध क्या पाप न होगा? लेकिन क्या पता ललिता के लिए भी यह निषेध ही बलवान हो। फिर शायद ललिता विनय को कितने संशय हैं, इनका हल कहां मिलेगा? धन्यवाद।